रियलिटी शो बिग बॉस 14 को शुरू हुए एक हफ्ता भी नहीं बीता कि इसके कंटेस्टेंट्स को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा है पंजाबी सिंगर सारा गुरपाल की। सारा गुरपाल को लेकर पंजाबी सिंगर तुषार कुमार ने ये दावा किया था कि उनकी और सारा की शादी 2014 में ही हो चुकी है और वो बिग बॉस 14 में अपने रिलेशनशिप को लेकर झूठ बोल रही हैं। अब तुषार ने बताया कि सारा गुरपाल ने उनसे शादी क्यों तोड़ी और कैसे उनके रिश्ते बिगड़े। एक इंटरव्यू में तुषार कुमार ने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने कई सारे दावे किए हैं, पर मैं अभी हमारे अलगाव को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें आज बोली हैं वो मैंने 3 साल पहले यानी कि 2017 में भी बोली थी। उस वक्त ये बात बाहर शायद इसलिए नहीं आई क्योंकि तब सारा इंडिया या पंजाब के बाहर भी फेमस नहीं थी। अब जब वो बिग बॉस 14 में आ रही है तो मुझे तो इस बारे में भी मालूम नहीं था। तो तुषार ने आगे कहा, अचानक ही मेरे पास मैसेज आने लगे, हो सकता है कि लोग बिग बॉस के घर में आने वाले कंटेस्टेंट्स के बारे में पूरी चीज़ें खोज कर पढ़ रहे होंगे और तभी मेरे पास भी मैसेज आने शुरू हो गए। लोग मुझे सोशल मीडिया पर हरास करने लगे, गालियां दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि अब ये मामला तभी खत्म हो सकता है जब सारा खुद इसके बारे में बात करे। हाल ही में तुषार कुमार ने सारा गुरपाल के साथ अपनी शादी की तस्वीरें और मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाया था। ये पूछे जाने पर कि उनकी शादी में क्या बिगड़ा, क्यों रिश्ता टूटा, तो तुषार कुमार ने कहा, सारा शादी में खुश नहीं थी क्योंकि उन्हें अमेरिका में काम नहीं मिल रहा था और वो एक सामान्य जिंदगी नहीं जीना चाहती थी और लोग यहाँ पर घर पर नहीं बैठते, सभी लोग कुछ ना कुछ काम करने के लिए निकल जाते हैं। सामान्य जिंदगी जीने में सारा के साथ समस्या ये थी कि पंजाब में सभी लोग उन्हें जानते थे और शादी के लिए वो सब छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मैं अब इस सब से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि पूरी ज़िंदगी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा जाता रहे, मैं काम के दम पर पहचान बनाना चाहता हूँ। तुषार ने आगे कहा, सारा और उनकी शादी को 3 साल हो गए हैं और अभी तक उनका तलाक नहीं हुआ है। जब तुषार से पूछा गया कि क्या सारा उनके साथ अब्यूसिव रिलेशनशिप में रही, उन्हें प्रताड़ित किया गया, तो उन्होंने कहा, मैंने कभी उनके साथ गलत बर्ताव नहीं किया, हमारे बीच सब कुछ ठीक है, जो एक अच्छा पति कर सकता है वो सब मैंने किया। तुषार ने कहा कि सारा को इस मामले में बात करनी चाहिए और सारी चीज़ें साफ करनी चाहिए। वो बोले, मैं सारा और गुरपाल को चैलेंज कर रहा हूँ कि वो मेरे सामने बैठे और इस बारे में बात करे। मैं जब सारा को यहाँ अमेरिका लाया तो पूरी जिम्मेदारी के साथ लाया, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब सारा ने अमेरिका आकर देखा कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ उतनी प्रोग्रेसिव नहीं है जितनी कि कैनेडा या पंजाब में है। उन्होंने यहाँ काम पाने की खूब कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। तब मैंने सारा के इंडिया वापसी के टिकट कराए ताकि वो वहाँ जाकर काम कर सके। इंडिया जाने पर सारा को एक फिल्म में साइड रोल मिल गया और तब से हमारे बीच दरार आनी शुरू हो गई। सब कुछ फेम पाने के लिए था। सारा ने मुझे और हमारी शादी को चुनने के बजाय सिर्फ फेम को चुना। तो आपका क्या कहना है सारा गुरपाल और तुषार के बीच आई दरार पर, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।